जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो तंजीमी नेटवर्क है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, उसको बहुत मजबूती दी जा रही है। उसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मेरे खुद के टूर, मीटिंगें और रैलीज हो रही हैं। आप सब जानते हो कि अभी डिलिमिटेशन की सारी प्रोसेस चल रही है। आने वाले दिनों में जैसे ही डिलिमिटेशन का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद यहां असेंबली के इलेक्शंस होंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जाकर आवाम से हम मुखातिब हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, अपने वर्कर्स के साथ इंटरेक्शंस कर रहे हैं, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी असेंबली के इलेक्शंस हों, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले इलेक्शंस के बाद बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने, इसके लिए हम पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय बड़े पैमाने पर रैलियां, मीटिंग्स और प्रोग्राम कर रहे हैं। जम्मू रीजन आप सब जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत स्ट्रांग गढ़ है। कश्मीर घाटी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने अब काम शुरू किया है, और जिस तरीके का रेस्पॉन्स हमको कश्मीर घाटी से मिला है, अभी पिछले दिनों मेरी कुलगाम, अनंतनाग, पहलगाम, पुलवामा और शोपियान जैसे एरिया जो साउथ कश्मीर के एरियाज हैं, यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी के लोगों को भी रैली करने में दुश्वारियां आती हैं, ऐसे साउथ कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त रैलीज हुई हैं। लोगों ने खुलकर बीजेपी का समर्थन किया है, सपोर्ट बीजेपी को मिल रही है और समाज के हर तबके से मिल रही है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गांव का हो, शहर का हो, महिला हो या पुरुष हो, बुजुर्ग हो या नौजवान हो या बच्चे हो, समाज के हर वर्ग से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट मिल रही है। क्योंकि जो काम नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पिछले 7 सालों में मुल्क के अंदर किए हैं, उसका लाभ हमें यहां भी जम्मू कश्मीर की आवाम को भी बहुत मिला है। चाहे वो किसानों के खाते में पैसे हों, चाहे वो हेल्थ कार्ड हो, गोल्डन कार्ड हो, 5-5 लाख रुपया इलाज के लिए मोदी साहब एक साल में देते हैं, सोशल वेलफेयर की पेंशन जो गरीबों के लिए ओल्ड एज पेंशन है, डिसेबल पेंशन है या विडोज पेंशन है, उन सबको भी बड़े पैमाने पर हेल्प दी है। कोरोना के कोविड लॉकडाउन में मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है, आज भी मिल रहा है वैक्सीन मुफ्त। हिंदुस्तान ने 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए जारी की है। अमेरिका, इंग्लैंड भी वो अपने लोगों के लिए फ्री वैक्सीन नहीं दे पाए जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी हैं। आज गांव-गांव में देखो सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, बिजली, पानी जैसी बेसिक फैसिलिटीज मोदी सरकार ने दी हैं। रेना साहब बेरोजगारी, और मुझे लगता है कि ये सारा जो आवाम के खिदमत मोदी साहब ने की है, इसका एक अच्छा रिजल्ट असेंबली इलेक्शंस में देखने को मिलेगा और बीजेपी को जबरदस्त जीत मिलेगी और बीजेपी की यहां सरकार बनेगी। रेना साहब बेरोजगारी, आप सब देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये जो कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी जद में लिया है, और उसके बाद लॉकडाउन जो पूरी दुनिया में लगा है, तो उससे आर्थिक मंदी आई है। जो है इकोनॉमिक क्रंच और फाइनेंशियल क्रंच आया है, उसके चलते बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पूरी दुनिया के लोगों को। लेकिन उसके बावजूद रियासत जम्मू कश्मीर में, वो चाहे बैंक के पीओस के या बैंकिंग एसोसिएट्स के रिक्रूटमेंट हो, वो की गई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट्स के लिए भी रिक्रूटमेंट की गई है, और वो सारी प्रक्रियाएं अभी चल भी रही हैं। अभी भी आप देखो क्लास 4th के लिए भी वो सारा फॉर्म्स अप्लाई किए जा रहे हैं। तो इस मुश्किल दौर में भी ये सारी चीजें ठीक करने की कोशिशें हो रही हैं, और आने वाले दिनों में इसमें और गति आएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक बहुत बड़ा मेगा इंडस्ट्रियल पैकेज इंसेंटिव्स जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए दिया है, अरबों खरबों रुपए की लागत से जो इंडस्ट्रियल नई डेवलपमेंट्स होंगी यहां, वो भी नौजवानों को, पढ़े लिखे तेज तरार नौजवानों को इंडस्ट्रीज लगाने में भी बहुत फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें भी आपको बड़ी तेजी से सुधार नजर आएगा। अगर सरकारी